हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब हमें क्या सीखना है, अब हम कन्वर्जन सीखेंगे। किसमें कन्वर्ट करना होगा ध्यान से समझना। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे POS गिवन होगा और SOP के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इससे पहले हमने क्या सीखा था, SOP गिवन था, POS में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन लिखता हूं, ज्यादा क्लियर होगा कि क्या करना है। क्वेश्चन ये है हमारा, कन्वर्ट एफ ब्रैकेट में a, b, c इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट के अंदर 1367 इंटू SOP। ठीक है, क्या करना है हमें, ये किसका सिंबल होता है, पाई यानी POS का, और कन्वर्ट किस में करना है, SOP के अंदर। और पहले हमने क्या करा हुआ है, पहले की वीडियो में अगर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो इसी में हमने कर लिया था, और अगर आप वन शॉट वीडियो नहीं देख रहे तो उससे पहले की वीडियो में क्या करवाया था, ये करवाया था, SOP गिवन था और POS में कन्वर्ट करा था। अब रिवर्स हो गया, यानी कि POS से हम किस में आ जाएंगे, SOP। तो हेडिंग डाल देता हूं, अब हम कन्वर्ट सीख रहे हैं किसका, That is POS into SOP। तो दोस्तों, अगर पहले की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने SOP को POS में करवाया था, नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके देख लेना। और जो स्टूडेंट वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये कंटिन्यूएशन में ही चल रही है वीडियो। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पर हम क्या करेंगे, अगर किसी ने पहले की नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये किसका सिंबल होता है हमारा, POS का सिंबल होता है, राइट। तो कितने वेरिएबल्स है, पहले तो ये चेक कर लो कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। तो आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाओगे किसके बेसिस पे, ये 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे। यहां पर एफ लिखा हुआ है, जो बाहर एफ लिखा हुआ दैट इज फंक्शन, वो वेरिएबल नहीं है, आप उसको इग्नोर करोगे। तो क्या लिखा हुआ है, ABC, यानी 3 वेरिएबल्स है, 2 की पावर 3 इज 8। तो क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे ABC, और साथ में क्या करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला इज 2 पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इज 3, तो 2 की पावर 3 इज 8। तो यहां पर मैं टेबल बना दूंगा, इसके अंदर हमारे आ जाएंगे 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, वेरिएबल्स 3 ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, राइट, ये कितने हो गए, 8। अब ध्यान दो, 8 का हाफ कितना होता है, दैट इज, जल्दी बोलो कमेंट्स में लिखो, 8 का हाफ इज 4। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 4 में 0 लिख देंगे, और उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, 4 बार 1 लिख देंगे। ठीक है, 8 का हाफ कितना हुआ, 4, तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 का हाफ, जल्दी बताओ, 4 का हाफ इज 2, 2 बार 0 2 बार 1, तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का हाफ दैट इज 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, परफेक्ट, क्लियर है ट्रुथ टेबल, सही से पहले सिखा दिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर, इतना समझ में आ गया, फटाफट थैंक यू लिखो, 2 वर्ड्स चाहिए, कौन से, थैंक यू। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, किस में कन्वर्ट करना है, एसओपी के अंदर कन्वर्ट करना है। एसओपी के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एसओपी इज सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी क्या होता है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले हमें प्रोडक्ट करना है, पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो आपने क्या लिखना है, यहां पे जो 3 वेरिएबल है ABC, इसको क्या करोगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दोगे। अभी हेडिंग मत लिखना प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर हमें मिन टर्म मैक्स टर्म वर्ड यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ध्यान दो, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स, तो हर यहां पर हर जगह a.b.c लिख दो,
तो क्या लिखा, ए डॉट बी डॉट सी, सेम चीज यहां पर, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ए बी सी डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, यहां तक क्लियर। हमने क्या करा, प्रोडक्ट करा। अब ध्यान देना, सपोज मेरे पास नंबर कोई भी ले लो, 5 है। इस 5 के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्क नहीं आएगा। यानी कि 5 के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 5 आए। जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, 0 या 1? जल्दी बोलो, 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1। तो 5 के साथ हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 क्या किसी भी नंबर के साथ हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो सेम नंबर आएगा, दैट इज 1। तो बात उल्टे पर, बात उल्टे पर, यानी कि 1 से फर्क नहीं पड़ेगा तो बार 0 पर। तो यहां पर ए स्टार्टिंग में तीनों 0 है, तो तीनों पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। सेकंड में सिर्फ 2 है, ए और बी, ए और बी पे बार आ गया। थर्ड में ए और सी है, ए और सी पे आया। फोर्थ में ए है, ए आया। फिफ्थ में 2 है, बी और सी। नेक्स्ट क्या है, ये 1 हो गया और सी में ए बार हो गया। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। पहले क्या करा, प्रोडक्ट के फॉर्म में करा, प्रोडक्ट करा तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता, 1 उसके उल्टे के ऊपर बार, यानी 0 पे बार। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट क्यों करा, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना था, एसओपी में। यहां तक क्लियर, बहुत सिंपल, लिख लो आप इसको, ज्यादा बेटर है, साथ साथ लिखोगे ज्यादा क्लियर होगा। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब साथ साथ लिखोगे, बाद में लिखोगे तो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए रजिस्टर पेन लेकर बैठो और वीडियो को पॉज कर लो, अगर मैं नहीं लिखा और मैं आगे चल रहा हूं तो पॉज कर लो। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट हो गया, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर लिया, अब करेंगे सम। अब क्या करेंगे, सम किस टर्म का सम करेंगे, वो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, 1367, इस नंबर का मतलब है 1367 को छोड़ दो, 1367 को छोड़ दो, बाकी किसमें आ जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है। इसका मतलब टोटल वेरिएबल्स कितने थे, लास्ट में भी बताया था मैंने, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं हमारे, दैट इज 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो नंबरिंग करोगे आप 0 से लेकर 7 तक, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 0 से लेकर 7 तक, यानी कि यहां पर 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे। ठीक, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये हो गए नंबर, जो यहां पर गिवन है उसको इग्नोर करेंगे, जो जो गिवन नहीं है उसको लेंगे। यानी कि एसओपी के अंदर कौन सी टर्म आएगी, एक तो आएगी 0, क्योंकि यहां पे 0 नहीं है, 1 आ गया, एक आएगी 2, 3 आ गया ये नहीं लेंगे, 4, 5 नहीं है, 5 आ गया, 6 और 7 है तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, आपने प्रोडक्ट तो कर लिया, अब सम करना किस टर्म का करोगे, इसका 0, 2, 4, 5। क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है। कन्वर्ट करने का मतलब होता है जो गिवन है उसको छोड़ दो, दूसरी ले लो, ये ले ली हमने 0, 2, 4, 5। तो कौन सा आ गया, 0, 2, दिस इज 0, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 2, 0 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया, 4, 5 ही एक बार चेक कर लेते हैं, 0, 2, 4, 5, राइट, 0, 2, 4, 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब हम क्या कर देंगे, किसके फॉर्म में लिख देंगे, सम के फॉर्म में। तो 0 में कौन सी टर्म है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज ए, 0 वाले लिख रहा हूं, ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी डैश। उसके बाद 0 के बाद कौन सा, दैट इज 2। 2 वाला कौन सा है, अच्छा ब्रैकेट लगाएंगे, 2 वाला इज ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश। ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया, अब कौन सा चाहिए, 4 और 5। 4 क्या है हमारा, ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश। 4 हो गया, 5 क्या है, ए डॉट बी डैश सी। तो
तो ये आ गया a डॉट b डैश डॉट c, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम। क्यों करेंगे, क्योंकि किसमें कन्वर्ट करना था हमें, एसओपी में। पहले प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल लिया, उसको लिख लिया, अब क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो प्लस प्लस प्लस, तो दिस इज एसओपी आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर। परफेक्ट, बहुत आसान तरीके से सिखाया मैंने आपको, नोट कर लो आप, धीरे धीरे करूंगा मैं ऊपर, ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। तो एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूं क्या करना है। पीओएस है, एसओपी में कन्वर्ट करना, तो क्या करा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो देख लिया, कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल, टू की पावर थ्री इज एट, टू की पावर थ्री इज एट। तो आप क्या करोगे, ए बी ट्रुथ टेबल बनाओगे, एट का हाफ फोर, फोर टाइम जीरो, फोर टाइम वन, फिर दो, फिर फोर का हाफ टू, दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन, दो का आधा एक, दैट इज जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। किसके फॉर्म में करना है, एसओपी की, तो पहले प्रोडक्ट कर देंगे, यहां पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, बार लगाएंगे, किसके ऊपर बार लगाएंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर होता है, वन उसके उल्टे के ऊपर, यानी जीरो के ऊपर बार, जीरो पे बार, जीरो पे बार, जीरो पे बार लगा दिया, ठीक है। यहां पे चार बार जीरो है, चार बार जीरो, दो बार जीरो, दो बार ऐसे लगा दिया, जहां पे जीरो वहां पे बार आ गया। अब क्या करेंगे, एट केसेस थे हमारे, तो जीरो से लेकर सेवन तक नंबरिंग होगी, हमने यहां पे जीरो से लेकर सेवन तक नंबरिंग कर दी। क्वेश्चन में कौन सा गिवन था, वन थ्री सिक्स सेवन, इसको आप छोड़ दोगे, कौन सा रह गया, दैट इज जीरो टू फोर फाइव, तो जीरो टू फोर फाइव। दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंट पेन से, जीरो टू फोर फाइव, जीरो, दिस इज जीरो टू फोर फाइव। अब आप इसको क्या कर दोगे, इसको टर्म को लिख दोगे, जीरो टू फोर फाइव को किसमें लिख दोगे, सम की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ध्यान देना, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हेडिंग प्रोडक्ट नहीं डालनी, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे, मिन टर्म। हेडिंग क्या होनी चाहिए, मिन टर्म। पहले करवा रखा है मिन टर्म मैक्स टर्म, तो दिस इज मिन टर्म। जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, मिन टर्म, जब सम करते हैं तो क्या होता है, मैक्स टर्म। एक बार दिखा देता हूं जो पहले करा था, ये देखो यहां पे जब हमने सम करा था तो मैक्स टर्म लिखा था, अब क्या करा, प्रोडक्ट करा, तो क्या हो गया हमारा, दैट इज मिन टर्म, राइट। नोट कर लो, उम्मीद रखूंगा कर लिया होगा। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और साथ साथ में दोबारा से बताऊंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, अभी तक नहीं लिए तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। नंबर फ्लैश हो रहा, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, और दो वर्ड चाहिए, दैट इज थैंक यू, वो जरूर लिखना अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है। मैं कभी भी ये नहीं कहता, अधिकतर वीडियोस में नहीं बोलता कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन दो वर्ड जरूर लिखना थैंक यू, वो हमारा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करेंगे, और साथ साथ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को हम कोशिश करते हैं आसान तरीके से सिखा दें। और अपने कमेंट्स आप लिख सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आप लिखोगे हम उसके ऊपर अगर नॉलेज है तो वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।